परेशान, देखो मैंने बोला दशहन दे। हाँ आज नहीं दशहन दे, सीधी करो मुझे। ये अब्बा जी बैठे हुए हैं, अब्बा जी जुत्ती आंदी है तुहाडी, देखें जी वो कहाँ पे खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मुजम्मिल जा रहा है घर, रेडी खड़ा है, और इधर आज अम्मा ना अपनी कोई रेसिपी की तैयारियां कर रही हैं। ये देखें पता नहीं क्या है आज, बड़ी कोई स्पेशल रेसिपी होने वाली है अम्मा आज। हाँ आज नहीं दसें दी अम्मा ना गौर सीख दी वही यूट्यूब। तो आज रेसिपी हम लोग कोई बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं। ये तो आप उनके चैनल पे आएगी तो देखिएगा, बस मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, ये बीज से है। वैसे रेसिपी बड़ी स्पेशल है आज की ना, हाँ तो है बड़ी यूनिक किस्म की, मेरे ख्याल में मैंने यूट्यूब पे इस तरह की कोई पहले नहीं देखी हुई। तो वो बनेगी तो वो भी दिखाएंगे। बाकी मुजम्मिल अभी रेडी है और इसको मैंने छोड़ के आना है, तो चाय वगैरह बन रही है वो पीते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। इधर जी मुजम्मिल की अलविदाई तकरीब हो रही है। जलेबी की फरमाइश थी, कल रात को भी नहीं मिली, ठंडी थी, तो अभी जलेबी भी आई है, चाय भी आ गई है। और हाँ जी चेक करो ना चौरी साहब, चेक करके दस ना की हो जी इस न्यांग दी जलेबी। मिठी तो होती है। अच्छा जी, तो अभी हम निकलने लगे हैं घर से, और नानी ने ना इसको कुछ लेके भी देना है। क्या लेके देना है फिर पोते को, दोते को? पैसे हैं। अच्छा इन कपड़े ला दे, पैंट शर्ट ला दे। ये जी इतने पैसे हैं, गरम सूट ला दे। मैं आखा के थक गया, मैंने कोट ला के दिया, वो नहीं ला के दिता है। वेख लो जी, मैं आखा के थक गया कि मैनू ना कोट ला के दियो, सर्दी है, लेकिन नहीं ए जनाब साहब फेंक दे यार। क्या बात है भैया, गुड हो गया जी। तो अभी हम आए थे जी पैंट शर्ट लेने के लिए मुजम्मिल के लिए। मुजम्मिल ने कहा मैंने पैंट शर्ट लेनी है, कपड़े नहीं लेने, बच्चा है ना शहरी बच्चा, तो पैंट शर्ट देख रहे हैं, देखते हैं कौन सी पसंद आती है और आपको भी दिखाएंगे। अभी वेस्ट चेक करनी है, उसको अपनी वेस्ट ही नहीं पता, पता वैसे मुझे भी नहीं है। जी मुजम्मिल ने ये पैंट पहनी। हाँ जी सर बिल्कुल अच्छा, सही है बिल्कुल। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर वेयरिंग दिस पैंट? मोस्ट की चीज का मजा है, सही है मतलब है। फिर यही पहने रखे, बल्कि चेंज कर लेते, पैसे भी देने। हाँ जी इधर आज कुछ बन रहा है जी, कोई रेसिपी बन रही है, अम्मा आई बड़ी मेहनत कर रही है। अम्मा से मैंने पहले भी पूछा था क्या बना रही है, मैंने नहीं बताया, अम्मा ना आजकल चलाकियाँ कर रही है। और ये मैं शोरकोट से आ गया हूँ, मुजम्मिल को भी छोड़ के आया हूँ, और ये जूते लिए मैंने, ये जूते मैं लेके आया था, एक अब्बे के लिए शूज़ लिए थे बंद कपड़े के हैं क्योंकि नरम होते हैं, तो अब्बे ने कहे थे कि शूज़ लेने हैं तो वो भी लेके आऊँ, और एक भाई मुनव्वर के शूज़ हैं, और बाकी मुझे तो इन्होंने ले के नहीं देने, सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो अभी अब्बे को चेक करवाते हैं और पूछते हैं कि कैसे हैं। ये अब्बा जी बैठे हुए हैं, अब्बा जी जुत्ती आंदी है तुहाडी? अच्छा बड़ी गल है। हां ये देखो ते दसो के हो गई आ ए लाग आए बूट अंदर में आके कूले कूले तो मैं तो पाए कभी नहीं पाक, तो देखो पूरे आंदे ने, मैं तो लाए अंदाज ते अंदाज ते ओनी का होय का तो नहीं है ये तो शायद हो पाओ ना पूरी है पूरी लो जी फिर जुत्ती मेरी आ गई अब्बे नु पूरी मतलब जड़ी आंदी है मैं अब्बे वास्ते पाओ इन हूं हूं अच्छा ते और ये जूते भी लाया था ये भाई मुनव्वर ने घर पहनने के लिए लिए हैं उनके लिए ये खरीद के लाया था ये जी जूते बिल्कुल परफेक्ट आए हैं अब्बे को मुझे उम्मीद नहीं थी कि साइज पूरा आएगा पर फिट हैं पूरे हैं ना सारा कुछ ठीक है चलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो ये दूसरा दिन है मेरे व्लॉग का और पिछला दिन गुजर चुका है समझ लें और आज दिन के 10 बज चुके हैं और सदाका से पूछते हैं कि रात कुछ ने आलू खाया था गुर्दे में दर्द तो नहीं हाँ जी और इसके साथ हमें एक और खुशखबरी भी मिली है आप लोगों के भी काफ़ी रिक्वेस्ट। अच्छा एक पहले उससे पहले एक और बात, मेरे व्यूअर्स काफ़ी सारे कह रहे थे कि आलू की कोई पनिशमेंट नहीं थी ये तो बंदा इजीली खा सकता है। हाँ दस भाई खा सकता है या नहीं खा सकता? बिल्कुल नहीं खाया जाता, कच्चा कच्चा टेस्ट आता है ना, मुझे सही बात है अंदर जो अंदर से गुर्दे बाहर आ रहे थे
वो कह रहे थे वसीम की पनिशमेंट डिफिकल्ट थी, तुम्हारी वाली तो आसान सी थी, तुम तो इजीली कर सकते थे। चलो मैं कहा अब ये इसने इसके ऊपर था, अब इसने जानबूझ के किया या वाकई में कुछ गड़बड़ हुई इसे। बाकी होती है, मुझे लगता है कच्ची चीज़ में ना बंदे को बहुत खुद ब खुद मुँह से निकल जाती है बंदे की। चलो जी वो तो अब गुजर चुका, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई अच्छी पनिशमेंट रखेंगे हम। और आज एक खुशखबरी भी है, वो ये कि हमारी जो गाय थी उसने बच्चा दे दिया ना, रात को पैदा हुआ है बच्चा। और रात को तो मैं सोया हुआ था तो डॉक्टर वगैरह आया था कोई, तो बच्चा हुआ, बच्ची हुई है समझ, बछड़ी बछड़ी कहते हैं ना, बछड़ी पैदा हुई है जी। और बहुत ही क्यूट सी है, और बारिश भी आज हुई है साथ में ही, देख ले रहमत की बारिश कहते हैं ना, जब रहमत आती है तो रहमत की बारिश भी होती है, तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हुई है और धुंध भी नहीं बनी आज, लेकिन सर्दी थोड़ी सी बनी हुई है। तो अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे बछड़ी और उसकी माँ, वो दोनों बैठे होंगे, दूध शूध भी उसको पिलाएंगे। अच्छा जी तो अभी हम आपको दिखाते हैं जी अपनी बछड़ी, और बहुत ही क्यूट सी छोटी सी है, और मिश्राज जुरेज उसके पास ही है आज के दिन, तो आपको भी दिखाते हैं। ये देखें जी, मिश्राज को ना इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, हमेशा किसी करो किसी। ये जी हमारी छोटी सी बच्ची कहते हैं पंजाबी जबान में, और कपड़ा डाला हुआ क्योंकि सर्दियाँ हैं ना तो थोड़ा सा गर्म रहेगी। ये देख ना करो मिश्राज ना कुछ को, ये देखे अब उसको बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है, गिर जाती है कभी कभी, खुद ही खड़ी हो जाती है। हाँ मिश्राज कैसी लगी है, कैसी लगी है, फीडर तो मुँह से निकालो, कैसी लगी है, मजे की है? हाँ। ये जी अभी इसको हम दूध पिलाएंगे और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी हम पिलाने लगी हैं जी दूध, तो बछड़ी यानी कि हमारी बच्ची आपने देखी, और बड़ा क्यूट सा बच्चा था माशाल्लाह से। और अभी हम ना थोड़ा सा पतंग उड़ाने लगे हैं, सार लेके आई, और सारे बच्चे भी कह रहे हैं कि उड़ाओ, वो काफ़ी उड़ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे तो दिखाई नहीं देंगे लेकिन ऊपर काफ़ी उड़ रहे हैं बड़े ऊँचे ऊँचे, तो हम भी ट्राई करते हैं कि उड़ता है या नहीं। ये नहीं उड़ रहा, इसको थोड़ा भाग के पहले ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये फिर उड़ेगा, ये तो फिर नीचे आ जाता है, हवा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हवा। लेकिन इसकी ना ये जो लगी हुई है ये भारी लग रही है, इस वजह से नहीं उड़ रहा। ले जी हमारा घोड़ा उड़ के आ गया है। जुरेज ने आज लगाई हुई है जी मूछे, मूछे मुंह में आ रही है। गुड्डा जी हमने फाइनली काइट यानी कि पतंग हमने उड़ा दिया है, वो ऊपर आपको नहीं दिखाई दे रहा, दे रहा यहाँ से देखें, यहाँ से नहीं दे रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाए। मज़ा वैसे बड़ा आता है जब उड़ जाए ना, तो मज़ा बड़ा है। वो देखें जी वो, अच्छा जी तो हम थोड़ी देर उड़ा लें, ये कवे भी आ गए पतंग को देख के, तो हम थोड़ा सा मज़े ले लें, और आप थोड़ा सा पिछली सारी वीडियो को देखें जिन्होंने नहीं सही से देखी, और हम फिर मिलते हैं थोड़ी सी पतंग उड़ाने के बाद। ये मिश्राज ने अपना पतंग बनाया। ये किसने बना के दिया है, किसने बना के दिया है, मुबशर ने, द्रेज ने, येज ने? ये तो ये जी अपना उड़ा रहा है जी पतंग, सारे अपने अपने बना के फिर रहे हैं। किधर लेके जा रहे हो, किधर उड़ाओ, इधर ही उड़ाओ, इधर घास में उड़ाओ, हाँ यहाँ पे उड़ाओ, उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है। अच्छा जी गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा देर तक पतंग उड़ाने के बाद, मतलब ना उड़ा पाने के बाद, क्योंकि हमने काफ़ी कोशिश की है कि वो सही से उड़ जाए, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर उड़ता था, फिर उसका वेट ज़्यादा था शायद, फिर नीचे गिर जाता था,
तो जहरीले खुआर हो गए खेतों में पानी के अंदर, तो वापस आ गए घर। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपकी वीडियो, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यार ऑलमोस्ट 80% ऐसे लोग मेरे चैनल को देखते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इस वीडियो में आपने वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।